औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम, और इसको हम लिखते हैं आर क्रॉस पी की फॉर्म में। तो अगर हम आई जे के वाली फॉर्म में इस क्रॉस प्रोडक्ट को देखें तो एक्स वाई जेड, पी एक्स, पी वाई, पी जेड सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। और अब एल एक्स आई, एल वाई जे और एल जेड के को हम कैसे देख सकते हैं कि हम इसको आई कंपोनेंट होगा हमारे पास वाई बी जेड माइनस जेड पी वाई, और ऐसे ही जे और के कंपोनेंट्स हम देखेंगे। अगर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें तो एल एक्स हमारे पास वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई के बराबर हो जाएगा, एल वाई जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड के बराबर हो जाएगा, और एल जेड एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स जो हैं अकॉर्डिंग टू कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेबल्स हम उनको कैसे लिख सकते हैं? एल एक्स विल बी इक्वल टू, अगर पी एक्स जेड और पी वाई की वैल्यू को लिख दी जाए तो माइनस आयोटा एच कट वाई करली ओवर करली जेड माइनस जेड करली ओवर करली वाई की फॉर्म में आएगा। सिमिलरली एल वाई और एल जेड की वैल्यूज भी आप मालूम कर सकते हैं। अब लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर्स की को हमने थ्री डायमेंशन में जब लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट करली ओवर करली एक्स करली ओवर करली वाई करली ओवर करली जेड, और ये बन जाता है माइनस आयोटा एच कट डेल। और एंगुलर मोमेंटम को भी लिख सकते हैं माइनस आयोटा एच कट आर क्रॉस डेल की फॉर्म में। तो अब हम देखते हैं कुछ कम्यूटेशन रिलेशंस जो कि हैं इन ऑपरेटर्स के विच आर रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम। यानी पहले हम देखेंगे कि एल एक्स और एल वाई के आपस में कम्यूट करते हैं, तो हम एल एक्स और एल वाई को जब लिखते हैं तो एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स की फॉर्म में आएगा। अब एल एक्स और एल वाई की वैल्यूज को हम पुट करेंगे, जब उनको पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास और ये जो टर्म्स आ जाती हैं इनको फिर हम डिफ्रेंशिएट भी करते हैं फर्दर, तो हमारे पास किस किस्म का कोई जो रिजल्ट है वो बनता है। एल एक्स एल वाई का रिजल्ट हमारे पास इस फॉर्म में आयोटा एच कट एल जेड के बराबर आता है। अब फर्दर आपको इसमें मैं कुछ काम दे रही हूँ जो आप लोगों ने करना है, वो ये है कि आपने कम्यूटिंग ब्रैकेट्स एल वाई एल जेड और इसी तरीके से आपने एल जेड एल एक्स की ये सॉल्व करनी है, और आपने ये साबित करना है कि दिस इज इक्वल टू आयोटा एच कट एल जेड। अब इसको करने के दो तरीके हैं ना, आपने ये इसको डिफरेंशियल फॉर्म में देख लिया। अगर डिफरेंशियल फॉर्म में ना देखते और हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते, यानी एक्स पी वाई वाली जो फॉर्म है एल एक्स और एल वाई का ले रहे हैं हम, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई और जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड की फॉर्म में लिख लेते तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता था, और इस तरह सॉल्व करने के नतीजे में भी आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यूज जो हैं आयोटा एच कट एल जेड के बराबर ही आती है। अब हमारे पास कुछ और ऑपरेटर्स भी होते हैं जिनको हम लैडर ऑपरेटर्स कहते हैं। लैडर ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं आइगन वैल्यू को किसी भी ऑपरेटर की, और इन ऑपरेटर्स को हम रेजिंग या लोअरिंग ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी ऑपरेटर की वैल्यू को वन पॉइंट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो वो ऑपरेटर जो राइजिंग ऑपरेटर है उसको हम क्रिएशन ऑपरेटर भी कह देते हैं, और जो लोअरिंग ऑपरेटर है उसको हम बाजुकात एनिहिलेशन ऑपरेटर भी कह देते हैं। इनकी जो वेल नोन एप्लीकेशंस हैं वो है इन द फॉर्मलिज्म ऑफ द क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर और एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम और क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये दोनों लैडर ऑपरेटर्स जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम में इनकी किस तरह से एप्लीकेशन आती है। एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन लैडर ऑपरेटर की जो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट में हम देखते हैं वो एंगुलर मोमेंटम है। रेजिंग ऑपरेटर एल प्लस होगा और उसको हम लिखेंगे एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई की फॉर्म में। इसी तरीके से लोअरिंग ऑपरेटर जो है एल माइनस होगा और उसको लिखेंगे एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई की फॉर्म में। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो एल एक्स को हम लैडर ऑपरेटर्स की फॉर्म में देख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एल एक्स इज इक्वल टू एल वाई प्लस एल माइनस बाय टू। और इसी तरीके से अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसको हम एल वाई की फॉर्म में देख सकते हैं, दैट इज एल प्लस माइनस एल माइनस बाय टू आयोटा। और अब हम देखते हैं कम्यूटिंग ऑपरेटर्स एल जेड और एल प्लस को जब आपस में हम कम्यूटिंग ब्रैकेट इसकी देखते हैं तो हम एल प्लस की वैल्यू को ओपन करेंगे एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई की फॉर्म में। अब हमारे पास एल जेड एल एक्स और एल जेड एल वाई आ जाता है, तो एल जेड एल एक्स एल वाई के बराबर है, एल जेड एल वाई जो है माइनस आयोटा स्कर्ट एल एक्स के बराबर है। तो इन वैल्यूज को जब पुट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये यहाँ से वैल्यू आती है आयोटा स्कर्ट एल वाई प्लस एच कट एल एक्स के बराबर, और जो बन जाता है एच कट एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, और एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई एल प्लस के बराबर है।
एच कट एल प्लस आ जाता है। तो इसके तरीके से एल जेड और एल माइनस ऑपरेटर जो है ना वो आपने सॉल्व करना है। अब हम आइगन फंक्शंस देख लेते हैं ऑर्बिटल एंगल ऑफ मोमेंटम के, एल स्क्वायर और एल जेड, ये दोनों को म्यूट करते हैं। तो इनकी जो आइगन स्टेट्स होंगी उनका हम कॉमन सेट इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी सेम ही आइगन स्टेट्स होंगी। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन एल स्क्वायर की जब देखते हैं तो दैट इज इक्वल टू एच कॉट स्क्वायर एल एल प्लस वन एल एम के बराबर आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर है इसकी आइगन वैल्यू। इसी तरीके से एल जेड की आइगन वैल्यू एच कट एम की फॉर्म में होती है। यहाँ पर एल की वैल्यू जीरो से लेके एन तक हो सकती है और एम की प्लस माइनस वन से प्लस माइनस एल तक हो सकती है। तो एल स्क्वायर का ऑपरेटर अगर हम स्फेरिकल फॉर्म में देखें तो दैट इज इक्वल टू दिस थिंग। अब एल जेड को देखें तो दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट कर्ली ओवर कर्ली फाई, और इन ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स जो हैं ये एंगल थीटा पे डिपेंड करते हैं और फाई पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह इनकी जो आइगन स्टेट्स हैं वो भी थीटा और फाई पे डिपेंड करेंगे। इक्वेशन वन और टू को हम कैसे लिख सकते हैं, एल स्क्वायर की आइगन स्टेट को हम वाई एल एम थीटा फाई से रिप्लेस कर देते हैं ये एल एम की बजाय। तो वाई एल एम थीटा फाई लिख दिया, एच कट स्क्वायर एल एल प्लस वन वाई एल एम थीटा फाई आ गया। इसी तरीके से एल जेड के लिए भी ये थीटा फाई की फॉर्म में ही आएंगे। तो एल जेड क्योंकि सिर्फ फाई डिपेंडेंट है तो हम इसमें इसको सेपरेबल फंक्शन में ले जाएंगे, यानी थीटा एल एम थीटा और फाई एम फाई। आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज ऑफ एल जेड अब क्या होंगी, एल जेड जो है जब वाई एल एम पर अप्लाई होगा तो एच कट एम वाई एल एम आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम वाई एल एम को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हैं तो दैट इज इक्वल टू थीटा एंड फाई, और ये आ जाता है हमारे पास। अब हम एल जेड को जब लिखते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट कर्ली फाई ओवर कर्ली फाई, थीटा के ऊपर ये अप्लाई नहीं हो रहा है, और यहाँ से हमारे पास माइनस आयोटा कर्ली फाई ओवर कर्ली फाई, क्योंकि ये एच कट और एच कट कैंसिल हो जाता है, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाता है और रह जाता है माइनस आयोटा कर्ली फाई ओवर फाई इज इक्वल टू एम फाई एम। तो यहाँ से माइनस आयोटा कर्ली फाई एम ओवर फाई इज इक्वल टू एम डेल्टा फाई की फॉर्म में आ जाता है। तो इसका नॉर्मलाइज जब हम इसको करते हैं तो ये हमारे पास वन ओवर अंडर रूट टू टाई टू पाई एक्सपोनेंशियल आयोटा एम फाई की फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर फाई एम जो है क्योंकि इसको सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और इसको पीरियोडिक होना चाहिए विद अ पीरियड ऑफ टू पाई, तो इसलिए हम एक्सपोनेंशियल आयोटा एम पाई फाई प्लस टू पाई को ये एक्सपोनेंशियल आयोटा एम फाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये रिलेशनशिप हमें शो करता है कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है एल जेड की दैट विल बी इक्वल टू एल एम एल जेड एल एम, और ये ब्रैकेट आ गई यानी ये आपके पास कॉन्जुगेट फिर एल जेड फिर ओरिजिनल आइगन स्टेट। तो ये हमें जो स्टेट है ये बताती है कि ये एम एच कट जो है रिस्ट्रिक्टेड है, यानी एल की जो वैल्यू एन तक हो सकती है लेकिन एम की वैल्यू प्लस माइनस एल तक होती है, तो एम की वैल्यू माइनस एल से पॉजिटिव एल तक होगी। तो इसी तरीके से अगर हम आइगन फंक्शन एल स्क्वायर का देखें तो वो आपके पास नजर आता है आपको थीटा और एम की फॉर्म में, उसको सेपरेट कर लिया हमने, एल स्क्वायर की वैल्यू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की हमने लिखी, और उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दिस इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर, दूसरा इसकी वैल्यू आइगन वैल्यू एच कट स्क्वायर एल एल प्लस वन ओवर अंडर रूट टू फाई की फॉर्म में आ जाएगी, यानी इसको सॉल्व करने के बाद, और थीटा एल एम एक्सपोनेंशियल आयोटा एम फाई की फॉर्म में आ जाएगा। अब एल जेड की आइगन वैल्यूज को अगर हम देखते हैं वो तो हमने स्फेरिकल फॉर्म में देखी थी, अब अगर हम इसको लेटर ऑपरेटर की फॉर्म में निकालना चाहें तो वो कैसे आएगी, कि जो कॉमन आइगन फंक्शन है एल स्क्वायर और एल जेड का उसको हम वाई कह देते हैं, हम कह देते हैं कि ये कम्यूट करते हैं और ये आइगन फंक्शन जो है ना ये वाई है, और इसी को अब हम अप्लाई करेंगे। आइगन वैल्यू इक्वेशन जो एल जेड की है विद आइगन वैल्यू बी वो ऐसे लिखी जाएगी, हमने सपोज कर लिया कि इसकी आइगन वैल्यू बी है, तो एल जेड वाई विल बी इक्वल टू बी वाई। अब हम रेजिंग ऑपरेटर को दोनों साइड पर अप्लाई करते हैं एल प्लस को, तो एल प्लस एल जेड विल बी इक्वल टू एल प्लस बी वाई। एल प्लस एल जेड का रिलेशनशिप यूज करते हैं दैट इज इक्वल टू एल प्लस एल जेड माइनस एल जेड एल प्लस विल बी इक्वल टू माइनस एच कट एल प्लस। तो इसको हम इस इक्वेशन में लिख देते हैं, यहाँ से एल प्लस एल जेड की वैल्यू जब वो लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू एल जेड एल प्लस माइनस एच कट एल प्लस, और यहाँ से एल जेड एल प्लस वाई विल बी इक्वल टू बी प्लस एच कट एल प्लस वाई, यानी इस एच कट एल प्लस वाई को हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं। अब हम दोबारा से रेजिंग ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं, तो एल प्लस को दोनों साइड पर अप्लाई करने से फिर हमारे पास एल प्लस एल जेड एल प्लस वाई आ जाएगा विच इज इक्वल टू बी प्लस एच कट एल प्लस स्क्वायर वाई की फॉर्म में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखें आपने एल जेड एल प्लस की जगह पर दोबारा वो वैल्यू लगानी है, जब वो दोबारा से वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास इस साइड पर जो एल जेड एल प्लस था उसके साथ एल प्लस वाई आ गया, और दूसरी वाली साइड पर बीटा प्लस एच कट एल प्लस स्क्वायर वाई की फॉर्म में आएगा। और इसी तरीके से
सॉरी इधर हमने इसको एल प्लस को अप्लाई किया हुआ है. अब एल प्लस एल जेड की वैल्यू को हम लगाते हैं एल जेड एल प्लस माइनस एच कट एल प्लस वाई, और यहाँ पर इस फॉर्म में आ गया है, ये आ गया एल जेड एल प्लस स्क्वेयर वाई माइनस एच कट एल प्लस स्क्वेयर वाई, और इस साइड पर बीटा बी प्लस एच कट एल प्लस स्क्वेयर वाई है. हम इसको दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो बी प्लस टू एच कट की फॉर्म में आ गया है. ये रिपीटेड एप्लीकेशन जो है ये दोनों साइड पर जब लगाते हैं तो हमें एल इससे जो चीज़ नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि हमारे पास एल जेड एल प्लस के पावर वाई विल बी इक्वल टू बी प्लस के एच कट एल प्लस के पावर वाई की फॉर्म में आएगा, यानी कि ए की वैल्यू जीरो से लेकर थ्री तक कुछ भी हो सकती है. इसी तरीके से हम रिपीटेड एप्लीकेशन जब लोअरिंग ऑपरेटर के दोनों साइड पर करेंगे तो हमारे पास एल जेड एल माइनस के वाई विल बी इक्वल टू बी माइनस के एच कट एल माइनस के पावर वाई आएगा. जनरल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि एल जेड वाई के will be equal to एल जेड वाई के को जब देखेंगे दिस विल बी इक्वल टू बी के वाई के, और यहाँ पर हम वाई के को एल प्लस माइनस के वाई की फॉर्म में लिख देते हैं और बी के को हम क्या देते हैं बी प्लस माइनस के एच कट की फॉर्म में इसको ले लेते हैं. ये एक्सप्रेशंस हमें क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि रिपीटेड एप्लीकेशन रेजिंग ऑपरेटर या लोअरिंग ऑपरेटर की जब किसी आइगन फंक्शन पे की जाती है विद द आइगन वैल्यू बी तो उससे जो है एक लैडर आइगन वैल्यूज की जनरेट हो जाती हैं जो डिफर करती हैं एच कट एट ईच सक्सेसिव स्टेप. तो इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट एल प्लस एंड एल माइनस आर कॉल्ड लैडर ऑपरेटर. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द एप्लीकेशन एल प्लस एंड एल माइनस डिस्ट्रॉयज द नॉर्मलाइजेशन ऑफ इट फंक्शन, आइगन फंक्शन की नॉर्मलाइजेशन को ये डिस्ट्रॉय कर देता है. अब हम अभी हमने आइगन वैल्यूज देखी है एल जेड की, इसी तरीके से हम एल स्क्वायर के आइगन वैल्यूज को भी देख सकते हैं. हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो वाई है और आइगन वैल्यू सी है. तो एल प्लस रेजिंग ऑपरेटर को हमने अप्लाई किया तो हमारे पास अब हम इसको ओपन करेंगे इस फॉर्म में एल स्क्वायर एल प्लस विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर एल प्लस माइनस एल प्लस एल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू जीरो. इससे हमें पता चला कि एल स्क्वायर एल प्लस विल बी इक्वल टू एल प्लस एल स्क्वायर. तो एल स्क्वायर एल प्लस वाई विल बी इक्वल टू एल प्लस सी वाई, और हमारे पास एल प्लस एल स्क्वायर की बजाय हमने एल स्क्वायर एल प्लस लिख दिया. अब अगेन एल प्लस को हम अप्लाई करते हैं इस पे रेजिंग ऑपरेटर को तो एल प्लस एल स्क्वायर एल प्लस वाई विल बी इक्वल टू एल प्लस सी वाई, ये एल प्लस स्क्वायर हो जाएगा. और अगेन एल प्लस एल स्क्वायर की जगह पर हम एल स्क्वायर एल प्लस को यूज कर लेंगे. अब हमारे पास एल स्क्वायर एल प्लस स्क्वायर वाई विल बी इक्वल टू सी एल प्लस स्क्वायर वाई आ जाएगा. रिपीटेड एप्लीकेशन हमें क्या देगी कि एल स्क्वायर एल प्लस के पावर वाई विल बी इक्वल टू एल प्लस के सी वाई, और लोअरिंग ऑपरेटर की फॉर्म में हमें ये माइनस साइन के साथ मिल जाएगा. यहाँ से हमें जो चीज़ मिलती है वो ये है कि एल स्क्वायर वाई के विल बी इक्वल टू सी वाई के, यहाँ पर वाई के जो है वो है एल प्लस माइनस के पावर वाई. तो एल स्क्वायर की हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिली है वो सी मिली है, और अब हम इन आइगन वैल्यूज की रेंज को डिटरमिन करेंगे. रेंज लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यूज के लिए दिस डज नॉट एक्सटेंड इनडेफिनेटली. तो सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ लैडर ऑपरेटर्स मस्ट बी बाउंड, क्योंकि लैडर कैन नॉट एक्सटेंड इनफिनिटली, इन्फिनिट पावर तक ये नहीं जा सकती. तो अब हम देख लेते हैं एल जेड और एल प्लस एल जेड को एल जेड से जब हम ऑपरेट करवाते हैं तो एल जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी के स्क्वायर वाई के. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर थ्री और फोर को एल स्क्वायर वाई के और एल जेड स्क्वायर वाले को, तो एल स्क्वायर वाई के माइनस एल जेड स्क्वायर वाई के विल बी इक्वल टू सी वाई के माइनस बी के स्क्वायर वाई के आ जाएगा, और यहाँ से सी माइनस बी के स्क्वायर आएगा. तो यहाँ से एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, क्योंकि एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर जो है एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर भी होता है. तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए बी जो है उसकी कंडीशन क्या होगी कि सी मस्ट बी ग्रेटर देन बी के स्क्वायर, और अंडर रूट सी विल बी इक्वल एंड ग्रेटर देन बी के, और जिसका मतलब अंडर रूट सी मस्ट बी इक्वल एंड ग्रेटर देन बी के विच मस्ट बी इक्वल एंड ग्रेटर देन माइनस सी. तो के की वैल्यू आपके पास जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू कुछ भी हो सकती है. तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि बी मैक्सिमम बी मिनिमम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यूज हैं एल जेड की. इनको हम मॉडिफाई जब करते हैं तो एल जेड वाई मैक्सिमम विल बी इक्वल टू बी मैक्सिमम वाई मैक्सिमम, और ऐसे इसी तरीके से वाई मिनिमम के लिए बी मिनिमम वैल्यू होगी. अब हम L प्लस को दोनों साइड पर ऑपरेट करवाते हैं तो हमारे पास B मैक्सिमम प्लस H कट आ जाता है. तो आइगन वैल्यूज जो ऑब्टेन होती हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ L प्लस ऑपरेटर से इट इज़ हायर देन हायर वैल्यू ऑफ B मैक्स. तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, B मैक्सिमम जो लार्जेस्ट वैल्यू है इससे ज़्यादा नहीं हो सकती. तो L प्लस वाई मैक्सिमम विल बी इक्वल टू जीरो, ये अपर लिमिट हो गई है.
तो अब हम इस फंक्शन को ऑपरेट करते हैं लोअरिंग ऑपरेटर पर, तो एल माइनस एल प्लस वाई मैक्सिमम विल बी इक्वल टू जीरो, और एल माइनस एल प्लस की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इसमें, वो आती है एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर माइनस एच कट एल जेड वाई मैक्सिमम। यहाँ से आप देखें एल स्क्वायर वाई मैक्सिमम विल बी इक्वल टू सी, एल जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर मैक्सिमम, और एल जेड एच कट बी मैक्सिमम वाई मैक्सिमम शुड बी इक्वल टू जीरो, और उससे हमारे पास जो रिलेशन है वो इस फॉर्म में आता है विच इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू बी मैक्सिमम स्क्वायर प्लस एच कट बी मैक्सिमम। यहाँ से सिमिलरली बी मिनिमम स्क्वायर प्लस एच कट बी मिनिमम आएगी, तो हम सी की दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर देते हैं, बी मैक्सिमम स्क्वायर प्लस एच कट बी मैक्सिमम शुड बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच कट बी मिनिमम, और यहाँ से आ जाता है बी मैक्सिमम स्क्वायर प्लस एच कट बी मैक्सिमम प्लस बी मिनिमम माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, यहाँ से बी मैक्सिमम शुड बी इक्वल टू माइनस बी मिनिमम और बी मिनिमम माइनस एच कट इस फॉर्म में ही आता है। b मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू है तो ये b मिनिमम से लेस तो नहीं हो सकती, तो ये जो रूट है इसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो b मैक्सिमम कैन बी इक्वल टू माइनस b मिनिमम, तो इसका मतलब है b के शुड बी इक्वल टू b प्लस माइनस h कट, b मैक्सिमम माइनस b मिनिमम शुड बी इक्वल टू k h कट। इस वैल्यू को जब हम इसमें पुट करते हैं इसी तरीके से b मैक्सिमम प्लस b maximum should be equal to k h cut, यहाँ से 2b maximum will be equal to, क्योंकि हम b maximum को minus b minimum ले रहे हैं, minus b minimum should be equal to plus b maximum, तो k h cut, तो यहाँ से आपके पास j h cut आ जाती है, यानी b maximum की जो value है 0, 1 by 2, 1, 3 by 2 कुछ भी हो सकती है। इसी तरीके से b minimum जो है minus j h cut होगा जो minus k h cut by 2 होगा। General form में हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, बाय वर्चू ऑफ लैडर ऑपरेटर देयर आर एन इंटीग्रल नंबर ऑफ यूनिट्स बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, और जो आइगन वैल्यू एल स्क्वायर है सी उसको हम जे जे प्लस वन एच कट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जे की वैल्यू यहाँ जीरो, वन बाय टू, वन, थ्री बाय टू, टू कुछ भी हो सकती है। इस तरीके से एल स्क्वायर और एल जेड ये आइगन वैल्यूज को हम कैसे ले सकते हैं, एल स्क्वायर वाई शुड बी इक्वल टू जे जे प्लस वन एच कट स्क्वायर वाई, और इसी तरीके से एल जेड वाई इज इक्वल टू एम जे एच कट y, और mj की वैल्यू माइनस j प्लस 1 से लेके प्लस j तक हो सकती है।